सभी को मेरा राम राम। आज मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी बहुभुज का यदि आपने बाह्य कोण निकालना है, आंतरिक कोण निकालने के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट यदि आपके पास सिर्फ ये बताया गया है कि हमारे पास एक भुज दिया गया है, मतलब बहुभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज, षटभुज, भुज का नाम दे रखा है और आपने उसका बाह्य कोण निकालना है, आंतरिक कोण नहीं निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है। देखो जो आपका सर्कल होता है, कोई भी बहुभुज है वो एक सर्कल के बीच में आता है, चाहे चतुर्भुज है, चाहे आपका पंचभुज है, षटभुज है, उसके बाहर जो है वो सर्कल कंप्लीट होता है। सर्कल का जो कोण होता है वो होता है 360, एक सर्कल का जो आंशिक माप होता है वो 360 डिग्री होता है। तो कोई सा भी भुज आप निकालना है, जैसे हम चतुर्भुज निकालते हैं, तो यदि हमने चतुर्भुज का निकाला पर चाहिए सम बहुभुज, ठीक है, उसका यदि आपने बाह्य कोण निकालना है तो 360 अपॉन एन आपने करना, एन जो है ये आपकी भुजा है, तो 360 डिग्री बटे 4, तो इसको आपने यदि 4 से भाग देंगे तो 9 चौका 36, तो चतुर्भुज का जो एक बाह्य कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का, और सम चतुर्भुज का आंतरिक कोण भी 90 डिग्री का ही होता है। तो जैसे आपने अगर पंचभुज का निकालना है तो 360 डिग्री बटे एन यदि हम करते हैं तो 360/5, अब यदि आपने इसको भाग देना है तो 5 × 7 = 35, ठीक है, एक बज गया, एक हम यहां लगा देंगे तो यहां बन जाएगा 10, तो 5 × 2 = 10, तो कितने डिग्री का बन गया हमारा बाह्य कोण, 72 डिग्री का पंचभुज का। इसी तरह से यदि आपने षटभुज का निकालना है, ये जो प्रश्न है वो हमारे परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, और ये खाली ड्राइंग मास्टर के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, किसी तरह के भी कलर के भी एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये आपने इस तरह से सॉल्व करना है, 6 भुज का यदि हमने निकालना है तो सूत्र वही है, 360 डिग्री बटे एन, तो 360/6, क्योंकि हमने 6 भुज का निकालना है, षटभुज का हमने निकालना है, तो 6 से यदि हम भाग देते तो चिकम चिकम 36 पूरा कट गया, ये 0 रहेगी, 0 आ गई, तो इक्वल बाय 60 डिग्री। ये हमारे है बाह्य कोण, ये हमारे बाह्य कोण निकालने का हमारे पास सूत्र है 360/n। यदि आपने ये सूत्र लगा दिया है तो किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण निकाल सकते हैं। आंतरिक कोण निकालने के लिए मैंने एक वीडियो इससे पहले बना रखा है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर उसका दे दिया है, और आई बटन पे भी जाके आप देख सकते हैं, और वहीं से भी आप देख सकते हैं कि आप यदि आंतरिक कोण निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। अगला वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा कि यदि आपको पास एक बहुभुज दिया हुआ है, ठीक है, और उसके कोणों का जोड़ आपने निकालना है, बहुभुज दे रखा है और जोड़ों का कोणों का जोड़ कितना हो सकता है किसी भी बहुभुज का, उसके लिए मैं अगला वीडियो आपको बनाऊंगा। इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को देखते रहिए। Thanks for watching my channel, Drawing Study.